बीजेपी ने भैंसा टाउन के हालिया पुरतशद्दुद वाकयात को हिंदुओं के अखराज की साजिश का हिस्सा करार दिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम मेंद्रेड्डी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने कहा कि जिस तरह कश्मीर से पंडितों को बाहर किया गया, उसी तरह भैंसे से हिंदुओं को बाहर करने का मनसूबा बनाया गया है और हालिया फसाद इसी साजिश की कड़ी है। उन्होंने कहा कि मजलिस का मकामी सदर जाबिर अहमद एक अरसे से भैंसा बल्दिया का नायब सदरनशीन है और वही इन फसादात के पीछे है। गुजरे साल भी फसाद करवाया गया था। अरविंद ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के डी रामारो की खामोशी पर शदीद तनकीद की और सवाल किया कि उन्होंने मुतासरा टाउन का अब तक दौरा क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकलते और के डी रामाराव महज ट्वीट पर ट्वीट करते चले जाते हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि के डी रामाराव गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं जो सिर्फ एक बकवास है। अगर केसीआर और के डी रामाराव हिंदू हैं और हिंदुओं से उन्हें कुछ मोहब्बत है तो उन्हें फौरी भैंसे का दौरा करना चाहिए। धर्मापुरी अरविंद ने कहा कि फसादात के सिलसिले में दो मजलिसी कारपोरेटर्स को गिरफ्तार किया गया है और वो महाराष्ट्र से तड़ी पार होकर भैंसा में आकर बस गए हैं। हो रहा है ये कम्युनल राइड जो भी हो रहा है ये पूरा प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है। एमआईएम पार्टी इसका इसके पीछे है और टीआरएस और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसका सपोर्ट में है। हर हिंदू को भैंसा से निकलने का साजिश है। जो कश्मीर में हुआ डिकेड्स पहले वो फिर भैंसा में करना चाह रहे हैं, ये खुली बात है, ये दिख रहा है। पुलिस लास्ट टाइम जो 2020 जनवरी में उतने बड़े पैमाने पे कम्युनल रेड जब हुए, आज तक एक आदमी को भी जो रियल कल्प्रिट है आज भी जेल में नहीं है। सब लोग वही लोग म्युनिसिपैलिटी में काउंसलर बने पड़े हैं, चेयरमैन बने पड़े हैं। वो जाबिर अहमद जो ये सबके साजिश के पीछे है जो आदमी, उसका आज तक कुछ ये गवर्नमेंट उसके पीछे कुछ पनिश भी नहीं किया उसको, वो भी खुली आज का दिन भी वार्निंग देते फिरते रहता सबको। ये खुली बात है, हिंदुओं को भैंसा से निकाल देने का साजिश है। इसके लिए केसीआर का सरकार पूरा सपोर्ट एमआईएम को कर रहा है। जो दो काउंसलर आज अरेस्ट किए जैसा मेरे को समाचार है, वो भी कितना देर अरेस्ट रखेंगे, उनको कितना देर जेल में रखेंगे वो देखने की बात है। वो दोनों भी महाराष्ट्र से तड़ी पार किए गए लोग हैं दोनों भी। उन लोगों को तेलंगाना में लेके आकर एक पॉलिटिकल पार्टी में टिकट देकर एमआईएम से काउंसलर भी कर रहे हैं। क्या कर रहा केसीआर सरकार? और मुझे आज भैंसा जाने नहीं दिए, परसों रात में मेरे को हाउस अरेस्ट करके रखे। मेरे घर के सामने 100 से ज्यादा पुलिस लोगों को लगाए, पुलिस पर्सनल को लगाए। क्यों मैं क्रिमिनल दिख रहा हूँ क्या? अब ठीक है मैं नहीं जाऊंगा भाई, केसीआर को कौन रोक रहा भाई बाहर जाओ उधर भैंसा जाने? केसीआर जाके देखो, आप देखो केटीआर क्यों नहीं जा रहा, जाके देखो, पिछले साल भी नहीं गए। वो लोग गए तो भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता क्या? ठीक है अरविंद गए तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सिचुएशन हो सकता है, केसीआर गए तो भी होता क्या? कब निकलता बाहर केसीआर फार्म हाउस से? ये केटीआर किसको कहानियां बताया, ट्वीट करते रहता, गंगा जमुना तहजीब वंकाए दोंडकाए सब ट्वीट करते रहता, फलाना डिंगाना सब बकवास करते रहता ट्वीट पे। जाओ लो आपका बाप का हेलीकॉप्टर लो, जाओ भैंसा जाओ, सिचुएशन एनालाइज करो। जो भी कल्प्रिट से एमआईएम वाले, आप हिंदू नहीं है क्या? केटीआर आपका बाप हिंदू नहीं है क्या? जाके जो भी हिंदुओं का मर्डर करे, सबसे ज्यादा मैं चैनल्स को बोलना चाह रहा हूँ, जर्नलिस्ट को इंजुरीज ज्यादा हुए, एक जर्नलिस्ट सीरियस है, जर्नलिस्ट एवरी न्यूज चैनल हैज टू टेक इट अप, लेट योर मैनेजमेंट एक्ट इंडिपेंडेंटली। ये पूरा एक मीडिया लेना चाहिए इसको। ये केटीआर क्यों नहीं जा रहा है, केसीआर क्यों नहीं जा रहा है भैंसा को, इसका जवाब दो पहली बात। एवरी चाइल्ड सक्सेस स्टोरी स्टार्ट्स हियर लाइक अ मल्टी फेसेटेड डायमंड। Every student who steps into success school shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in cans. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.